एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यूपी पंचायत चुनाव से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। आपको बता दें, जारी हुआ नया आदेश, जाने किस सर्टिफिकेट की नहीं पड़ेगी जरूरत। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आज की वीडियो उन उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। रोजाना पंचायत चुनाव की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच सहारनपुर जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन 2021 के लिए किसी प्रकार की चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जिला पंचायत पद उम्मीदवार और चुनाव प्रचार के में अधिकतम 1,50,000 रुपए तक प्रधान ग्राम पंचायत उम्मीदवार 75,000 रुपए धनराशि खर्च कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र का मूल जमानत धनराशि और तथा चुनाव दौरान व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार का चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर आवश्यकता नहीं है। एक उम्मीदवार 4 नाम निर्देशन पत्र भी जारी कर सकता है। आरओ द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन तक की जाएगी। सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल 150 रुपए, जमानत धनराशि 500 रुपए तथा चुनाव के दौरान अधिकतम 10,000 रुपए तक की धनराशि व्यय की जा सकती है। इसी प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल 300 रुपए, जमानत धनराशि 2,000 रुपए तथा चुनाव के दौरान अधिकतम 75,000 रुपए तक व्यय किए जा सकेंगे। सदस्य क्षेत्र पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल 300 रुपए, जमानत धनराशि 2,000 रुपए तथा चुनाव के दौरान अधिकतम 75,000 रुपए तक व्यय किए जा सकेंगे तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल 500 रुपए, जमानत धनराशि 4,000 रुपए तथा चुनाव के दौरान अधिकतम 1,50,000 रुपए तक व्यय किए जा सकेंगे। डीएम ने कहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग के उम्मीदवारों से नाम निर्देशन तथा जमानत धनराशि निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि ली जाएगी। नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के नियम समय के पूर्व जमानत धनराशि नकद जमा की जा सकेगी। जमानत राशि परिणाम स्वरूप निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देंगे। आपको बताते चले, आरथी श्रेणी उम्मीदवारों को तहसीलदार, उप जिला अधिकारी से प्रदत्त और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला उम्मीदवार की आरक्षित श्रेणी वही होगी जिस श्रेणी में उनका नाम जन्म हुआ है। शपथ पत्र आरओ से नामांकन पत्र के साथ शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीदवार को ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायतों के बकायेदार होने की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है। आपको बताते चले, डीएम अखिलेश सिंह ने कहा है कि किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष प्रधान ग्राम पंचायत अथवा सदस्य पद पर धारण करने वाली अनर्य होगा। उम्मीदवार को आयु 21 वर्ष से कम होनी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार को प्रधान सदस्य ग्राम पंचायत के लिए, उसी ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड का सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए, संबंधित क्षेत्र के लिए किसी भी वार्ड का मतदाता होने जरूरी है। जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला पंचायत वार्ड के किसी भी वार्ड का सदस्य होना जरूरी है। उम्मीद है दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना पंचायत चुनाव की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।